Okay, but I think this is difficult. We both take a day. आपको ये हमारा सियालकोट ये जो मामला हुआ था, ठीक है, एक शर्मनाक हुआ कहते हैं। यूनुस अलैहि सलाम ने अपने सहाबा को भेजा, फरमाया कोई सरसब्ज दरख्त न काटना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, किसी बच्चे पे तलवार न उठाना, किसी निहत्ते पे तलवार न उठाना, किसी औरत पे तलवार न उठाना, यहाँ तक का कि कलीसा में बैठे किसी राहिब पे तलवार न उठाना। इतना मारा गया जी उसको, उसके वजूद की एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। जिन्हें कहते हैं चकना चूर हो जाना, उसकी एक हड्डी भी सलामत नहीं रही है। ऊपर फिर हमने क्या किया कि तेल डाल के ना हमने फिर उसको आग लगा दी। इसकी इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता है। लाश को मसा करना, लाश का मुसला करना मना करता है इस्लाम, मना करता है इस्लाम किसी को जलाने से। अगर हमारी अपनी जरा करतूतें मैं आपको लगूं सुनाने, हमारी अपनी करतूत पीर साहब भी बैठे हैं सियालकोट से, चिश्ती साहब भी बैठे हैं सियालकोट से। हमारे सियालकोट में एक बड़ी मरूफ बर्फी की दुकान है, बड़ी मरूफ बर्फी की सारी दुकान, उसका नाम है गुलाम मोहम्मद। 30 साल मेरी उम्र हो गई है, सारा सियालकोट उसको सूला बुलाता है। हम पे फिर क्या फतवा दे, क्यों सूला नहीं करना सारा सियालकोट, फिर हम पे क्या फतवा दे। सियालकोट वाले सारे गोली मार देनी चाहिए, बोलो ना यार तू अपनी बारी में फिर भी सबको गो जाते सारे। बोलो जी मुझे, गुलाम रसूल को अगर सूला बुलाया जाए, रसूल को बिगाड़ के सूला बुलाया जाए, क्या फतवा आएगा हम पे। कुछ नहीं करना, बहुत हमने एक दूसरे पे तवे दे दी, होश की बातें करी, ठीक है उसको आपने मार दिया तो आपके ख्याल में आपको कोई नहीं पूछेगा। सरकार दिन आना है, सबको वो पूछेगा बताओ ए क्यों तुमने रसूल को सूला बुलाया। मेरा पीर साहब सबका चाचा है, फतेहगढ़ जाके भाई खुला चैनल है, जाके फतेहगढ़ में पूछ लेना किसी से, फतेहगढ़ मुसलमानों का कब्रस्तान बिल्कुल सामने गली है। मेरा सगा चाचा है दरजी, उनका नाम मोहम्मद हुसैन है। मेरे वाल साहब कई बार मुझे कहते थे जा चाचा से नहीं बुला गए, हम पे फिर क्या फतवा लगे। आप अक्सर मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ने आते होते थे, मेरी मस्जिद के बिल्कुल सामने कसाई की दुकान है, उसका नाम है अब्दुल खालिक, सारा शाह पूरा उसको खालो कह के बुलाता, क्या फतवा देंगे। बिल्कुल मेरी मस्जिद का मुक्तदी है मलक अब्दुल रजाक, उसका नाम है, सारा ख्याल को उसको जाका कह के बुलाता है, क्या फतवा देंगे उसको। क्या हम उस्मान को बिगाड़ के शामी नहीं बुलाते, क्या हम नुमान को बिगाड़ के नोमी नहीं बुलाते, क्या अगर हमारे मोहल्ले में किसी का नाम गुलाम मोहम्मद हो तो हम उसको बिगाड़ के गामा नहीं कहते, तो फिर हम पे क्या बता देंगे। मारो नारे अपने इलाके, ठीक है जी। मैं आपको एक और बात पूछ रही हूँ, उसको आपने मार दिया, उसको आपने मार दिया, आपने अब भी ट्रिप मौजूद है उन लड़कों का जिन्होंने मारा उसको, क्या कहता है, कहता जी एक स्टीकर था जिस पे लगा हुआ दिखा हुआ था लबैक या हुसैन, इसने उसको उतार के कूड़े वाली टोकरी में फेंका, मैंने इसको मार दिया, ठीक है। अब मैं इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछूंगा। ऐसा बड़ा मरूफ ब्रांड है दरे जी, गुल अहमद, गुल अहमद, ठीक है, यह है ना गुल अहमद, उसने क्या फाड़ के फेंका लबैक या हुसैन। हुसैन क्या है, आप नवासी हैं, इमाम हुसैन को जितनी शानें मिली हैं रसूलुल्लाह सलाम की वजह से मिली है। वो कहते हैं इसने या हुसैन का स्टीकर उतार के कूड़े में फेंका, मैंने इसको मार दिया। आप जब गुल अहमद का सूट खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर जो गुल अहमद लिखा होता है उसको उतार के कहां फेंकते हैं, बोलो जी। साड़ा खत्म होना चाहिए। हमारे सियालकोट में बड़ी मरूफ दुकान है, सियालकोट में भी है, डस्के में भी है, गुजरांवाला से ये चली है, सुलेमान फीड्स। वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान वमा कफरा सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरु युअल्लिमून अन्नास से इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन नबी है, हुसैन गैरे नबी है, सुलेमान नबी है, अल्लाह के नबी है, बल्कि नबी इब्ने नबी है। डब्बे के ऊपर लिखा हुआ सुलेमान, आप सुलेमान फील्ड से ली हुई बेकरी खा के डिब्बा कहां फेंकते हो। साढ़े ना की होना चाहिए, बोलो जी।
लेकिन आखात सौरभ उस्मान को दबा कर दिया पाकिस्तान ने, कभी किसी ने नाम नहीं लिया टीवी पे, दूसरी किसी ने एक साई मार के गर्द मारे भी बोते ही करन दे।